क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक रेडियो सिग्नल जो 8 अरब साल तक अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा करता रहा अभी अभी पृथ्वी पर पहुंचा है। यह है FRB 20220610A जो गहरे अंतरिक्ष से मिला सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय सिग्नलों में से एक है और यह ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। यह सिग्नल किसने भेजा और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जानने के लिए बने रहिए क्योंकि हम एक सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराई में उतर रहे हैं। चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया है। एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल जिसे FRB 20220610A नाम दिया गया है 8 अरब साल तक ब्रह्मांड में यात्रा करता रहा और आखिरकार हम तक पृथ्वी पर पहुंचा है। अब आखिर ये FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है? दरअसल ये बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली रेडियो तरंगों के चमकदार फ्लैश होते हैं जो केवल कुछ मिलीसेकंड के लिए रहते हैं, लेकिन इतने कम समय में ये उतनी ही ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारा सूरज 30 सालों में पैदा करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 साल की सोलर एनर्जी पलक झपकने से भी कम समय में। लेकिन ये आते कहां से हैं? यही तो असली रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका संबंध मैग्नेटार्स से हो सकता है जो सुपरनोवा विस्फोटों के बाद बची हुई सुपरग्नि अत्यधिक चुंबकीय न्यूट्रॉन सितारे होते हैं, लेकिन सच कहें तो अभी तक कोई भी पूरी तरह नहीं जानता। डॉक्टर स्टुअर्ट राइडर जो ऑस्ट्रेलिया की मैकवेरी यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर हैं और उनकी टीम यह पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि FRBs आखिर आते कहां से हैं। ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर या ASCAP का उपयोग करते हुए उन्होंने FRB 20220610A को 8 अरब साल पुरानी एक आकाशगंगा से ट्रैक किया जो इसे अब तक खोजे गए सबसे दूरस्थ स्रोतों में से एक बनाता है। लेकिन इसके परिणाम और भी गहरे हैं। FRBs हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को हल करने में मदद कर सकते हैं, द मिसिंग मैटर प्रॉब्लम। देखिए, ब्रह्मांड विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि नॉर्मल मैटर जिससे हम बने हैं का आधे से ज्यादा हिस्सा ब्रह्मांड में गायब है। यह इतना गर्म और फैलाव में है कि इसे साधारण दूरबीनों से देखा नहीं जा सकता। FRBs ब्रह्मांडीय टॉर्च लाइट्स की तरह काम करते हैं जो इस अदृश्य पदार्थ को उजागर करते हैं। जब कोई बर्स्ट अंतरिक्ष से गुजरता है तो यह आयनित गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के बीच कितनी मात्रा में पदार्थ है इसे मापकर ब्रह्मांड का वजन जानने में सक्षम होते हैं। इसे मैकर्ट रिलेशन नामक विधि के जरिए पुष्टि की गई है। प्रोफेसर रयान शैनन बताते हैं कि FRBs इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे लगभग खाली अंतरिक्ष में छिपे हुए इलेक्ट्रॉनों को देख सकते हैं जिससे हमें इस मिसिंग मैटर को खोजने में मदद मिलती है। वास्तव में FRB 20220610A की हालिया खोज इस विचार का समर्थन करती है कि ये बर्स्ट ब्रह्मांड के आधे हिस्से तक के पदार्थ का पता लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक रोडमैप जो अरबों साल पुराने रेडियो सिग्नलों द्वारा मार्गदर्शित हो। हर नई बर्स्ट जिसे हम डिटेक्ट करते हैं हमें ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति को समझने के एक कदम और करीब ले आती है। तो इन गहरे अंतरिक्ष के सिग्नलों का वास्तव में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ मरते हुए सितारों के ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं या ये कुछ और अधिक की ओर इशारा कर सकते हैं, शायद हमारे कल्पना से कहीं अधिक पुरानी सभ्यताओं का संदेश? जैसे जैसे अधिक डेटा मिलता है एक बात स्पष्ट है, FRBs जैसे 20220610A हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। हम सिर्फ सतह को छू रहे हैं लेकिन कौन जानता है कि अगली खोज क्या होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी अंतरिक्ष के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा को जगाया है तो लाइक बटन को दबाएं और अधिक ब्रह्मांडीय खोजों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है ये गहरे अंतरिक्ष के सिग्नल क्या हो सकते हैं? क्या ये एलियंस या एक्स्ट्राटरेस्ट्रियल्स से संदेश हो सकते हैं या बस मरते हुए सितारों के अवशेष हैं? चलिए चर्चा करें। ये पूरा स्टडी जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक सितारों की ओर देखते रहें। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है।